नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप आचार्य और आप सब ने मुझे दूरदर्शन और डिजिलैब वीडियो पर देखा होगा। और पिछले जब से कोविड चालू है तब से ही मैं क्लासेस पढ़ा रहा हूँ, IMP क्वेश्चंस बता रहा हूँ, क्वेश्चंस कैसे लिखनी है सारी बातें बता रहा हूँ। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आगे भी जो सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट टीचर्स हैं उनकी भी क्लास आपको निःशुल्क मिलती रहेगी और घर बैठे जब तक स्कूल पूरी तरीके से नहीं लगता आप पढ़ सकते हैं। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं 10th क्लास का जो सोशल साइंस का पेपर है वह कैसे लिखना है, कैसे याद करना है, ये सारी बातें हम डिस्कशन करने वाले। तो समझ लें 80 नंबर का पेपर होगा और 2.5 घंटे में आपको करना है। उसके पहले दो छोटी छोटी सूचनाएँ सुन लीजिए। यदि आप मेरे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो 888-999-5226 इस नंबर पर मैसेज करें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक से ज्वाइन हो सकते हैं। हाँ, और इस चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर ही लीजिए। आइए शुरू करते हैं पेपर को। पेपर शुरू करने से ये एक और बात समझ लीजिए कि आपके लिए मैं स्कूल्स में होने वाले टूर्नामेंट, कॉम्पिटिशन्स और अन्य जानकारियाँ भी देते रहूँगा, तो आपके लिए इस चैनल से जुड़ना फ़ायदेमंद ही है। शुरू करते हैं पेपर को। पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। प्रत्यक्ष मतदान सामने आमने का, जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाए, यानी कोई एक शीर्षक दिया, आप इसको सहमत हैं या असहमत हैं, ये किसी क्षेत्र के लोगों से जब पूछा जाता है तो वह क्या कहलाता है? जनमत संग्रह या राजतंत्र या नियुक्ति या संसद? तो वो जनमत संग्रह कहलाता है। इस पेपर से, ये मॉडल पेपर है, इस पेपर से क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। पहले भी आप समझ चुके हैं कि कैसी पेपर करना है, तो आप जुड़े रहिए लास्ट तक, आपको बहुत अच्छे से हेल्प मिलने वाली है। तो देखते हैं इसका जनमत संग्रह आंसर हुआ। दूसरा क्वेश्चन, चीटिंग को सपोर्ट मैं नहीं करता हूँ। शेर के जैसे पेपर करने चाहिए कि मैंने अच्छे से पढ़ाई की है, अब जो भी आएगा मैं करके अच्छे से आऊँगा। और यह पेपर आपको जज करने के लिए है कि आपसे कितने नंबर का बनता है कि नहीं बनता, आपकी पढ़ाई कितनी है, आप कितने गहरे पानी में, इसलिए ये पेपर मैं दे रहा हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है। दूसरा क्वेश्चन, ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। किसी का अंकुश नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, निरंकुशवाद, कल्पनादर्श या अंकुशवाद या कोई नहीं। तो आपको स्पष्ट दिख रहा है निरंकुशवाद ही इसका आंसर है। कल्पनादर्श जो कल्पनाओं में जीते हैं, कल्पनाओं से ही जिनका राज शासन चलता है, अंकुशवाद जिस पर बहुत ज़्यादा अंकुश हुआ, जिस पर कोई प्रकार का राजतंत्र या कुछ नहीं होता। निरंकुशवाद मतलब एक राजा होता और वो तानाशाही टाइप से होगा, तो इसका आंसर होगा निरंकुशवाद। भारत में ये बन पाए जाते हैं, दूसरी पुस्तक से क्वेश्चंस है। बहुत 5-6 प्रकार के वन भारत में पाए जाते हैं, जिसमें उष्णकटिबंधीय, सदाबहार और पर्णपाती, ये तीनों प्रकार के पाए जाते हैं, इसलिए इसका उत्तर होगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की रक्षा करता है कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका या कोई नहीं। इन चारों की परिभाषा आपको आनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो इसका उत्तर है न्यायपालिका भारत की संविधान की रक्षा करता है। आर्थिक विकास का लक्षण है, आर्थिक विकास का क्या लक्षण है? प्रतिवृद्धि, आय में वृद्धि, भूकंप आना, लंबाई में वृद्धि या कोई नहीं। तो ये इसका आंसर सही, प्रतिवृद्धि, आय में वृद्धि या लोगों का रहन सहन ठीक हो जाना, शिक्षा में बेहतर व्यवस्था होना, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना, ये सारे आर्थिक विकास के लक्षण हैं। बाकी ये तीन ऑप्शन तो नहीं है, ये ऑप्शन सही है। तो ये 5 क्वेश्चंस देखिए। अब छठवां क्वेश्चन क्या है, छठवें क्वेश्चन में कह रहे हैं निम्न चित्र में सबसे बड़ा देश है। तो आपको बताना है इस चित्र में सबसे बड़ा देश क्या दिख रहा है। ये रूस ही दिख रहा है, रूसी साम्राज्य का, रूस जो मास्को जिसकी राजधानी वो बन गया था, तो आपको रूस इसका आंसर लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न में से नेपोलियन 1815 में कौन सा युद्ध हारा था, तो कौन सा युद्ध हारा था, कोशिश करें जानने की। 1815 में वाटरलू का युद्ध वो हार गया था। लोह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, लोह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, बड़ा सरल क्वेश्चन है, तो आप इसको खुद जज करिएगा कि कौन सा आंसर इसका होगा। बिल्कुल बहुत सरल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती होती है। सीढ़ीदार खेती, सोपानी खेती, पहाड़ के को काट करके छोटे छोटे हिस्सों में ऊपर ऊपर करते करते, ये किस प्रदेश में होती है। पंजाब में तो मैदान है, उत्तर प्रदेश में भी मैदान है, हरियाणा भी लगभग मैदान है, उत्तराखंड ये पहाड़ी एरिया है, तो यह सीढ़ीदार सोपानी खेती कहाँ होती है, उत्तराखंड में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है। तो कितने प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है, 100%, 80%, 51 या 31, इसको ये लगाइए। 50 से ज़्यादा है और 80-100 तो नहीं है, तो इस प्रकार से आपका ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं,
सही गलत बताना है। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति, पहले तो हमें राष्ट्रवाद को समझना होगा क्या है, जिसमें किसी देश पर रोजगार और अपने देश का पैसा खुद के ही देश में रहे, विकसित हों, विदेशी राज या विदेशी किसी प्रकार की नुकसान हमें ना पहुंचा पाए, राष्ट्र के प्रति भक्ति, देश की उन्नति की भावना, ये सब राष्ट्रवाद कहलाते हैं। तो इसकी पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ शुरू हुई थी, और ये बिल्कुल सही है क्योंकि आपको सही गलत बताना है। फ्रांस में 1793 में लुई 16वें को फांसी दे दी गई। अब जब फ्रांस में ही ये फ्रांसीसी क्रांति हुई 1789 में और बहुत कुछ काम हुए, तो उसी समय जब क्रांति हो गई तो आगे समय जो राजा था उसको फांसी दे दी गई, तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में फ्रांस का शासक बना। हाँ, ये भी बिल्कुल सही है, 1804 में ही बना था, क्योंकि उसने 1804 के पहले भी सेनापति के रूप में जो युद्ध लड़ा था वाटरलू का, वो हारा था, पर उसके बाद उसने और अच्छे काम किए तो वो 1804 में शासक तो बन गया। फिर क्वेश्चन है, 1866 से 1871 इन 5 वर्षों में जर्मनी का एकीकरण हुआ था, तो ये बिल्कुल सही है। जर्मनी जो वर्तमान में देश है उसका एकीकरण, जो छोटे छोटे टुकड़ों में था या कुछ हिस्सा दूसरे प्रदेश देशों में चला गया, तो इसका एकीकरण 1866 से 1871 में हुआ 5 वर्षों में। इसके बाद उदारवाद का अर्थ व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी है। उदारवाद का अर्थ आज़ादी, व्यक्ति के लिए आज़ादी, सबके लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी, मतलब सबको बराबरी के साथ मानना, ये उदारवाद है, तो ये बिल्कुल सही बात है, उदारवाद ही है। फ्रांस में लुब्रे की मुद्रा, जैसे भारत की मुद्रा का नाम रुपये है और अमेरिका की डॉलर है, तो फ्रांस की मुद्रा जो लिब्रे जिसका नाम था उसको 1794 में समाप्त किया गया, बिल्कुल सही है, क्योंकि 89 में क्रांति शुरू हुई, 93 में लुई 16वें को फांसी दी गई, 94 में उन्होंने वहाँ की मुद्रा समाप्त कर दी और एक अच्छा राज बनाकर नए तरीके से सिस्टम प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक उदारवाद के जनक श्री पीवी नरसिम्हा राव थे। आर्थिक उदारवाद से मतलब है भारत की संपत्ति और भारत में निवेश करने के लिए या भारत की जो वित्त की व्यवस्था है उसके लिए विदेश के लिए भी खोल दिया गया, तो ये आर्थिक उदारवाद प्रारंभ किया। एक समय भारत आर्थिक रूप से बहुत संकट में था 1991 के आसपास, उस समय पीवी नरसिम्हा राव जी मुख्य प्रधानमंत्री बने और उन्होंने भारत को एक नई दिशा दी और भारत की आर्थिक बदहाली को सुधारा, तो इसका ये भी सही है, सारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरना है आपके लिए, क्या है रिक्त स्थान? प्रथम विश्वयुद्ध खालिस्तान से खालिस्तान तक हुआ, तो 1818 से 1820 अब हुआ, या 1914 से 1918 तक हुआ, तो ये प्रथम विश्वयुद्ध है, तो प्रथम विश्वयुद्ध तो 1914 से 1918 तक ही हुआ था, 1800 के टाइम पे नहीं हुआ। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड खालिस्तान में हुआ था, कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? तो 13 अप्रैल 1919 या 12 जून 1915 में तो नहीं हुआ, तो 13 अप्रैल 1919, याद करने के लिए ध्यान रखना, 13 मेरा किसी को नहीं देखा, सबको उन्होंने एक तरफ से सब पर गोलियां चला दी, तो 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड जनरल डायर ने गोलियां चलवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम खालिस्तान महाद्वीप का देश है, बेल्जियम किस महाद्वीप का देश है, एशिया, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया? तो बेल्जियम जो 7 महाद्वीप है उसमें यूरोप महाद्वीप का देश है। श्रीलंका खालिस्तान में आज़ाद हुआ 1945 या 48, इनमें से कब हुआ था श्रीलंका आज़ाद? सब जानते हैं श्रीलंका आज़ाद 1948 में हुआ भारत के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का वर्णन खालिस्तान से खालिस्तान अनुच्छेद तक है, 14 से 32 या 45 से 55? तो इसका आंसर है 14 से 32 तक मौलिक अधिकार जो है उनका वर्णन है। आगे देखते हैं, आप कमेंट में बताइएगा मौलिक अधिकार कितने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही जोड़ी मिलाना है, तो सही जोड़ी ये 10 दी गई है, 10 को मिला के देखिए। जैसे खरीफ की फसल किससे जोड़ी मिलेगी? खरीफ की फसलें कहलाती हैं धान, सोयाबीन, उड़द, मूंगफली आदि और भी होती हैं। रबी की फसल गेहूँ, चना, मसूर, सरसों आदि रबी की फसलें हैं। झूमिंग कृषि से क्या मतलब है? ये पूर्व भारत में त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश आदि में ये खेती होती है जिसे झूमिंग कृषि कहते हैं। जंगल को काटते हैं, खेती करते हैं, फिर जला देते हैं फल लेने के बाद, तो ये काटो जलाओ खेती कहलाती है झूमिंग कृषि। अब यहाँ से थोड़ा सा अलग सिस्टम है, सामान्य जातियाँ कौन कौन सी हैं, जो वन्य की जातियों को अलग अलग प्रकारों में सामान्य जातियाँ, विलुप्त जातियाँ, संकटग्रस्त जातियाँ आदि, तो उनमें आपको बताना सामान्य जातियाँ क्या हैं।
तो जो पशु हैं सारे और साल हैं ये सब सामान्य जातियों में आते हैं। लुप्त जातियों में कौन कौन सी आती हैं, तो लुप्त जातियों में एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बतख आती है। संकर कृष्ट जातियों में काला हिरण आता है। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिंडर पेस्ट और मवेशी प्लेग। प्लेग से आपको समझ में आ रहा है कोई बीमारी है, तो इसकी जोड़ी बनेगी बीमारी से, रिंडर पेस्ट और मवेशी प्लेग की बीमारी है। विश्व युद्ध से क्या हुआ, विश्व युद्ध से क्या हुआ, तो विश्व युद्ध से जन और धन दोनों की हानि हुई, इसलिए इसकी जोड़ी इससे बनेगी। आयात क्या कहलाता है, जब किसी देश की सामग्री स्वदेश में मंगाई जाए, अपने देश में मंगाई जाए दूसरे देश की सामग्री, तो वो आयात कहलाता है। और निर्यात मतलब निकाली जाए, जब अपने देश की सामग्री हम निकालें और किसी और देश को दें तो वो निर्यात कहलाता है। बड़ी सरल जोड़ी थी, आपने देखी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तकनीकी व कौशल का प्रयोग कीजिए, प्रयोग कर बनाए संसाधन किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन है। और इसका अथवा में आपको करना है, संसाधन किसे कहते हैं, इसके अथवा में ये आप बना सकते हैं, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तकनीकी कौशल का प्रयोग करके, मतलब कोई एक उदाहरण आपको बताना है, या संसाधन किसे कहते हैं ये भी बता सकते हैं और संसाधन का उदाहरण भी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक वानिकी क्या है, तो रोड पर जो दोनों तरफ पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, किसने लगवाए, ये सारी बातें इसमें आप लिखेंगे, वह कहलाती है सामाजिक वानिकी। यानी सड़क किनारे लगाए जाने वाले वृक्ष सामाजिक वानिकी के अंतर्गत आते हैं। वन महोत्सव कब से कब तक मनाया जाता है, दो नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, तो 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाते हैं। याद रखना, जुलाई में जब आपका पहले एक ज़माने में 1 जुलाई से स्कूल प्रारंभ होता था, एक तो 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है। प्रांतर भूमि किसे कहते हैं, प्रांतर भूमि मतलब जहाँ जहाँ भी मंदिर होते हैं तो मंदिर के उपयोग के लिए जो जगह छोड़ी जाती है, मंदिर उस पर खेती भी करवा सकता है या अन्य धार्मिक आयोजन भी करवा सकता है, तो वो प्रांतर भूमि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ परियोजना क्या है और यह कब से प्रारंभ हुई, तो बाघ परियोजना क्या है, तो इसे समझ लेते हैं। बाघों की कमी, जब भारतीय अधिकारियों को पता चला कि 55,000 बाघ से अब केवल बचे हैं 1,821 बाघ, इतने कम बाघ जब बचे तो समझा कि बाघ संकट में है, इसलिए बाघ परियोजना शुरू हुई 1973 में, और टाइगर प्रोजेक्ट आदि जो बनाए गए, बाघों को संरक्षित किया गया, शिकारियों से उन्हें बचाया गया, तो धीरे धीरे यह संख्या और बढ़ गई है, यही बाघ परियोजना है। संघवाद किसे कहते हैं, इसका आंसर लिखें, IMP प्रश्न है। संघवाद मतलब विभिन्न स्तरों में सत्ता की साझेदारी, जैसे भारत में भी विधायक का चुनाव अलग होता है, सांसद का चुनाव अलग होता है, सरपंच का चुनाव अलग होता है, और सभी भारत के ही होते हैं, तो ये सारे अलग अलग तरीके के चुनाव और इन सभी की हिस्सेदारी सत्ता में ही संघवाद कहलाती है, तो इसका यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMF क्या है, इसने काम करना कब शुरू किया। IMF का सिंपल सा नाम है इंटरनेशनल मनी का मॉनेटरी फंड, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है IMF, और यह सन 1947 में विश्व युद्ध से पुनर्निर्माण, जब विश्व युद्ध हुए दो, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, इससे बहुत नुकसान हुआ, जन और धन बुरी तरीके से त्रस्त हो गए, लोग परेशान होने लगे, तो एक IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई, जिसने लोगों की सहायता करने के लिए, उद्योग को शुरू करने के लिए यह कोष बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीटो पावर किसे कहते हैं, जब अमेरिका ने नागासाकी जापान पर हमला किया और पूरे तरीके से विश्व पर अमेरिका की शक्ति हावी हो गई, तो एक तरह से कुछ जो सुपर पावर्स थे उनको मिलाकर के एक संघ बना, ठीक है, और उसमें क्या होता है कि अगर कोई प्रस्ताव पास हुआ और अगर 5 में से किसी एक सदस्य ने भी ये कह दिया कि नहीं मैं इससे सहमत नहीं हूँ, तो वो प्रस्ताव पास नहीं हो सकता, एक ने भी मना कर दिया, वही वीटो पावर कहलाता है। इस अधिकार के सहारे एक ही सदस्य की सहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन सकती है। अब आपको ये भी बताना होगा वीटो पावर कहाँ, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है कौन कौन से देश उसमें और शामिल हैं, जैसे चीन है, रूस है, और कौन कौन से देश शामिल हैं, और इसका काम क्या है, ये सारी बातें आप लिख सकते हैं, और कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। विश्व बैंक क्या है, इससे क्या, इसका निर्माण कहाँ हुआ, तो विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अलग है और विश्व बैंक अलग है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए विश्व बैंक का निर्माण हुआ, इसे शॉर्ट में पुनर्निर्माण के लिए ही बोला जाता है, इसका भी 1947 में एक ही जगह पर इसका निर्माण हुआ था, और यह विश्व के उद्योग आदि को पुनर्निर्माण करने के लिए हुआ। राष्ट्रवाद क्या है, ये मैं बता चुका हूँ, और फिर से समझ ली, औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ देश की प्रति लगाव आदि की भावना के साथ जो क्रांति आदि हुई वो राष्ट्रवाद की उत्पत्ति का काम थी।
सत्याग्रह क्या है इसकी परिभाषा ठीक से समझना है, जिसमें शक्ति और आग्रह, जिसमें शक्ति की जगह पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाए और भेदभाव को नकारा जाए जैसे गांधी जी ने किया था, विनम्रता के साथ अपनी बात रखी, तो सत्याग्रह है। संसाधन की परिभाषा लिखकर आपको उसके भेद आदि स्पष्ट करने हैं। तो संसाधन दो प्रकार के हैं, मानवीय, इससे क्वेश्चन 100% आएगा, मानवीय संसाधन, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। प्राकृतिक में भी दो, नवीनीकरण अनवीनीकरण, और मानवीय में संरचना और मात्र गुणमात्रा मात्र। तो नवीनीकरण में तो इन्होंने फिर से भेद कर दिए हैं, पवन, जल, सतह, प्राकृतिक, वनस्पति, वन्य जीव, और अनवीनीकरण योग जैसे धातु, धातु को अनवीनीकरण में रखा है और जीवाश्म ईंधन आदि को अनवीनीकरण में रखा है। तो ये आप देख सकते हैं, इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चंस देखे। अगला क्वेश्चन है, मृदा का वर्गीकरण करें और जलोढ़ मृदा को स्पष्ट करें, क्या है ये जलोढ़ मृदा। तो मृदा का जलोढ़ मृदा, लैटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, ये आदि जो फॉस्फेरस आदि मिट्टियों में होते हैं, तो ये आपको स्पष्ट करना है। और जलोढ़ मृदा की परिभाषा लिखनी, तो आप देख के लिख सकते हैं, मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, वीडियो बड़ा हो जाएगा। इसके बाद राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद में अंतर स्पष्ट करने आ सकता है, देख सकते हैं। लोकतंत्र क्या है इसको भी आप कर सकते हैं इस प्रकार से। यह अगला क्वेश्चन है, नक्शा देखकर पांच प्रकार की मृदा और से संबंधित प्रदेशों के नाम लिखना है। ये जैसे नक्शा है, तो इसमें जैसे ये पर्वत, पर्वतीय मिट्टी लिखा हुआ है, जलोढ़ मृदा का क्षेत्र ये है, और लाल और पीली मिट्टी का क्षेत्र ये है, काली मिट्टी का क्षेत्र ये है, सॉरी हाँ, और जलोढ़ मृदा का क्षेत्र ये है, उत्तरी भारत का मैदान गंगा नदी के यहाँ। जलोढ़ मृदा मैदानों में ही पाई जाती है। लैटराइट मिट्टी आपको इस साइड में दिख जाती है थोड़ी थोड़ी, है ना, और शुष्क ये मरुस्थल है राजस्थान का। तो आपको ये पूछा है कि कौन कौन से प्रदेश में क्या है, तो आप लिख सकते हैं उत्तरी जो जलोढ़ मृदा है वो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और थोड़ी सी राजस्थान में है। काली मिट्टी मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। और लैटराइट जो ये धूसर है, ये केरल के किनारे आदि के जो प्रदेश हैं वहाँ पर पाई जाती है। साथ ही शुष्क, शुष्क मृदा ये जैसलमेर, राजस्थान का जो एरिया बीकानेर जैसलमेर, तो राजस्थान में पाई जाती है, ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सत्ता की साझेदारी समझाइए। तो वही संघवाद से ही क्वेश्चन निकल के आया है, क्या है, तो उसमें सत्ता की साझेदारी की ज़रूरत होती है कि कौन से किसके विधायक के क्या अधिकार हैं, या विधानसभा के क्या अधिकार हैं, और सांसद या लोकसभा के क्या अधिकार हैं, ये सब इसमें आता है, तो आप इसको डिटेल में लिख सकते हैं। आर्थिक विकास के लक्षण, बहुत सरल क्वेश्चन है, आर्थिक विकास होता है तो उसके लक्षण क्या हैं, ये लिखना है। तो आज हमने क्वेश्चन देखे, आप तैयारी करते रहिएगा, आगे भी जो हेल्प की ज़रूरत पड़े, पुनः मिलेंगे, नमस्कार।